धर्म के चार नियम हैं, सत्यता, तपस्या, दया और शुद्धता। चार, इस पे चार नियम है प्रभु जी। जो ये चार नियम पालन करता है वो मनुष्य कहलाता है। दया का मतलब अपने में भी दया करो, दूसरों पर भी करो। सतो रजोगुनी आहार मत करो, मीट मच्छी अंडा प्याज लहसुन मत करो, दया दिखाओ अपने पे भी और दूसरों पे भी। दूसरा क्या है, कृपा हो गई। दूसरी चीज क्या हुई प्रभु जी, तपस्या, नशा छोड़ दीजिए, हर प्रकार का नशा, ये इंद्रियों को जो है काबू में नहीं रखने देता, त्यागिए इसको, तपस्या भंग होती है इससे। शुद्धता, अवैध संबंध, शादी से बाहर संबंध, ये मन की भी शुद्धता और तन की शुद्धता दोनों को भंग करता है, इसलिए इसको भी त्यागिए। चौथा क्या था, है सच्चाई, सत्यता प्रभु जी, जुआ और मनोधर्म। मनोधर्म का मतलब मैं सोचता हूं धर्म यह है, मैं सोचता हूं धर्म यह है, नहीं, जुआ, इन चीजों को त्यागी। ये चार चीजें जो पालन करता है वो मनुष्य कहलाता है। धर्म हीना ते पशु भी समाना, तो ये धर्म के चार नियम हैं। अब आ गया तीसरा पॉइंट, ध्यान योग सतयुग के लिए। ध्यान रखिएगा प्रभु जी, आधा घंटे का ध्यान व्यान कोई ध्यान नहीं होता। पहले जब ऋषि मुनि योगी बैठते थे, जब तक कि जिसका ध्यान कर रहे हैं उनका दर्शन नहीं हो जाता था, तब तक ध्यान से हटते नहीं थे। सतयुग के अंदर लोगों की उम्र 100,000 साल थी, इसलिए 10,000-20,000 साल तक वो ध्यान करते थे। और आपकी जानकारी के लिए ध्यान योग गीता में पढ़िए, 6वें अध्याय के अंदर कहा गया है, पवित्र स्थान, आसन ना तो ऊंचा ना नीचा, बीच के लेवल पर पहले कूसा घास, उसके ऊपर हिरण की छाल, उसके ऊपर कोमल कपड़ा। और हिरण कौन सा, जो अपने मृत्यु अपने आप मराओ, ये नहीं बंदूक लेके ढूंढ रहे हिरण को, वो उस हिरण के अंदर क्या पैदा कर देगा, हिंसा की भावना, अहिंसा, उसका अपने आप मरा है, फिर आपने खाल उतारी है वो। और उसके बाद उसके ऊपर रखिए आधी आंख खुली आधी बंद, पूरी आंख बंद करके तो सोते रहते हैं कहीं तो नहीं, और कब तक, जब तक कि आप जिनके ध्यान कर रहे हैं उनका दर्शन आपको नहीं हो जाए। सतयुग का है, इस युग में पालन ही नहीं कर सकते। दूसरा यज्ञ, होम, क्या प्रभु जी, त्रेता में होम के द्वारा। आप देखिए पुराणों में आपने पढ़ा होगा प्रभु जी, जहां भी होम किया गया किसी वस्तु के लिए, होम खत्म होते ही वो चीज प्राप्त हुई है। दशरथ जी ने किया, एकदम खीर प्राप्त हुई, और किसने, द्रुपद ने किया, द्रौपदी और दृष्टद्युम्न एकदम आए। आजकल क्या होता, महालक्ष्मी यज्ञ, पता लगा जिसने कराया वो पतिया का पतिया हो गया बेचारा, उतने पैसे ही लौट के नहीं आए कभी जिंदगी में जितने लगाए थे उसने, महालक्ष्मी यज्ञ। अरे मूर्ख बना रहे हैं। और दूसरा यज्ञ का पढ़िए क्या क्या चीजें डालनी चाहिए। मैं तो देखा है प्रभु जी, मेरे पिताजी कराया करते थे, तो उसमें लिखा है 1,000 गाय दान दो। आप एक काम करिए 50 रुपये रख दीजिए। मैंने कहा 50 रुपये तो पूछ भी नहीं आएगी गाय की। अरे नहीं कलयुग है चलता है। मैंने कहा लिखा है, तो फिर ब्राह्मण उससे थोड़ा सा, नहीं नहीं वो हमने बोला ना, मैंने तू कौन होता है बोलने वाला, मुझे बता शास्त्र में कहाँ है। और ज्यादातर यज्ञों में यही होता है। और ध्यान रखिएगा प्रभु जी, मंत्र का उच्चारण अगर जरा सा भी गलत हो गया गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। और ब्राह्मण से पंगे लेना मत, क्योंकि एक हो चुका है, एक जगह मैं लेक्चर दे रहा था गुड़गांव के अंदर, तो वहाँ मैंने बताया कई बार गड़बड़ कर देते हैं ये। तो उसने जो वहाँ का सेक्रेटरी था, जो वो एक ही वॉज होम मिनिस्ट्री के अंदर काफ़ी सीनियर पोजीशन पे था, जो ट्रस्ट का सेक्रेटरी, तो उसने आया बोलते हमारे साथ हुआ है प्रभु जी, हमारे एक पंडित ने मुझे बताया कि कल बड़ा नाराज था अगले दिन, तो मैंने क्या हो गया, बोलते कल एक शादी में गया, मुझे सही उसने दक्षिणा देने का शुरू में चिक चिक कर दिया, मैंने उसकी शादी के अंदर क्रिया के मंत्र पढ़ दिए, मैंने उसकी शादी में क्रिया के मंत्र पढ़ दिए। अरे मैंने कहा सत्यानाश जाए, कराने गया था शादी हो गई उसकी। तो प्रभु जी ये यज्ञ हम जो करते हैं शादी के लिए, सुने इसमें सिर्फ साक्षी मानकर करते हैं प्रभु जी, हम कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं करते। ध्यान रखिएगा, वो अग्नि को हम क्या मानते हैं, साक्षी मानते हैं, साक्षी के रूप में लेते हैं, क्योंकि यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। तो विष्णु उस टाइम अग्नि के रूप में प्रकट हुए हैं, और उनको उस तरीके से लेकर हम साक्षी रूप में लेते हैं प्रभु जी। नहीं तो होम तो आपने सुना पढ़ा ही होगा प्रभु जी, जहां होम पूरा हुआ और उस व्यक्ति को उसके फल प्राप्त हुए। ये पोस्ट डेटेड चेक दिया ना जहां जिसने, वही गड़बड़ हो गई, पोस्ट डेटेड चेक नहीं। तो और द्वापर में प्रभु जी
मंदिरों में जाके भगवान के दर्शन करने, पूजन के द्वारा, बताऊं भगवान से मिलने जाते थे। पहले बताऊं कैसे जाते थे लोग, टोकरियों में हीरे जवाहरात भर के ले जाते थे प्रभु जी, जो उनकी कैपेसिटी होती थी ना उससे ज़्यादा लेके जाते थे। भगवान के दर्शन करने जा रहे हो हैं जी, या हनुमान जी के ऊपर 1 रुपया फेंकते हो ऐसे जैसे भिखारी खड़े हैं वो हैं। ध्यान रखिएगा ये बात का, ये भाव दर्शाता है। जब आप गिफ्ट देते हो ना प्रभु जी, किस प्रकार का गिफ्ट आया है उससे आप जान जाते हो ये व्यक्ति का मेरे साथ क्या संबंध है। भगवान के साथ भी वो प्रेम जो है वो गिफ्ट के रूप में जाता है। किसके रूप में जाता है प्रभु जी? गिफ्ट के रूप में जाता है। तो ये सब करना बड़ा मुश्किल है प्रभु जी, कल में अपना खाना नहीं होता भाई, भगवान तुझे कहाँ से 200-500 चढ़ा दूंगा। तो भगवान कहते हैं, अभी तो मैंने कहा क्या कर, कलेर दोषे निधे राजन अस्ति ये को महान गुण कीर्तन दैव कृष्णस्य मुक्ति संग प्रमुर्जेत, कृष्णा का कीर्तन करो। पुराणों में आया है, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते वनास्ते वनास्ते, कहते अन्यथा हरि का नाम एव केवलम। भगवान जानते थे महाबदमाश हम, 3 बार रिपीट कर रहे हैं हरि का नाम, और फिर भी चुप नहीं हुए, एव सिर्फ केवलम यही। अरे यार इतनी बार बोलोगे, अब फिर क्या बोलते हैं, कलौ नास्ते वनास्ते वनास्ते कहते अन्यथा, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है और नहीं है। अब हरि का कौन सा नाम, कल बताया था कली संतरण उपनिषद के अंदर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम् नाम। ये 16 नाम जो दिए गए, कली कलमश नाशनम, कलयुग में सारी कलाओं को नाश करेंगे। ना तह परत्र उपाया, इससे पर उपाय और कोई नहीं है। सर्व वेदेशु दृश्यते, सारे वेदों में दृष्टि डालने पर भी, किसी को ये श्लोक देखना हो आ जाइएगा सेंटर पे, आपको किताब दे दूंगा कली संतरण उपनिषद, देख लीजिएगा अगर यकीन ना हो।